एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मीस बहात, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। आज भी सैम की तबीयत ठीक नहीं है, फिर इसको पहले की तरह वॉमिटिंग हो रही है। पता नहीं इसको सर्दी लग गई है, सर्दियों को ज़्यादा बुरा कहती है ना, इसलिए सर्दियाँ इससे बदला ले रही हैं, इंतकाम ले रही हैं वो। तो अभी हमने इसके लिए बिरयानी मंगवाई है। ये 3 बज रहे हैं और ये नाश्ता हो रहा है इसका। मैं वो क्लॉक तो आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि क्लॉक जो है ना वो मेरे इसी साइड पे है। हाँ, मोबाइल दिखा सकती हूँ पर उस पर मेरी पिक्चर है, वो भी नहीं दिखा सकती। बेचारे, ये सैम का नाश्ता हो रहा है और अभी 3 बज रहे हैं, टाइम देखें। और ये मेरी नाश्ते की चाय है। ये चाय इफ्रा मोहतरमा ने बिल्कुल फिक्की बनाई है, जैसे शुगर के मरीजों की होती है ना, और ये चने खा रही है। आज हमने बनाए हैं आलू वाले चावल। और मुझे आज भी याद है जब हमारा फर्स्ट व्लॉग था ना, मतलब जब हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, उस दिन भी हमने आलू वाले चावल ही बनाए थे। और ये है हमारा कल का बचा हुआ साग। और ये अभी यहाँ ने अंडा डाल के पता नहीं क्या किया इसको साग में। और ये आया है मामा की फ्रेंड के घर से सालन, आलू मटर गाजर मेथी भी है शायद। शाम के हो रहे हैं 5:30 और मैं अभी मुँह धोकर आई हूँ, मुँह धोकर कपड़े चेंज करके आई हूँ। एंड टुडे आई वेयर मम्मा ड्रेस एंड आई नो इट्स लुक ग्रेट ऑन मी। और मैंने ये ड्रेस उल्टा पहना है क्योंकि मेरी मर्जी, क्योंकि मेरी मामा का ड्रेस है, मैं उल्टा पहनूँ सीधा पहनूँ मेरी मर्जी। मजाक कर रही हूँ। और मैं अपने पुराने वाले मास्क के साथ ही ठीक हूँ क्योंकि उसमें तो पता नहीं कैसा चिब्बा सा मुँह आता है, क्योंकि उसको ठीक करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ख़राब है। और ड्रेस से याद आया कि वेला गेमर ने कहा था कि मुझे सर्दियाँ ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि सर्दियों में खाने भी मज़े मज़े के होते हैं और ड्रेसिंग भी अच्छी होती है। हाँ यार, ड्रेसिंग तो अच्छी होती है और खानों का तो मुझे कोई आइडिया नहीं क्योंकि मुझे सर्दी में ज़्यादातर भूख नहीं लगती। और ड्रेसिंग तो अच्छी होती है लेकिन फिर भी मुझे सर्दियाँ नहीं पसंद। और किसी ने ये भी कमेंट किया था कि क्या आप लोग फ्रेंड्स हो या सिस्टर्स हो, तो हम लोग सिस्टर्स हैं, मतलब फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड भी है लेकिन हम लोग सिस्टर्स हैं। वेला गेमर ने कहा था कि थोड़ा सा साग इधर भी भेज दें, तो अगर पॉसिबल हो तो हम आपको मोबाइल से खिला देते हैं क्योंकि वहाँ तक तो हम भेज नहीं सकते, मतलब आप लाहौर में रहते हैं ना, तो हम लाहौर तक कैसे भेजें। अच्छा जी, तो आज के बस यही कमेंट्स थे। और मैंने ये भी कहना था कि आप लोग जो भी हमें कमेंट करते हैं ना, उसका रिप्लाई हम कमेंट सेक्शन में नहीं करते, अपने नेक्स्ट व्लॉग में करते हैं। तो आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछने होते हैं वो आप कमेंट तो करते हैं लेकिन नेक्स्ट व्लॉग देखते नहीं हैं, तो फिर आपको रिप्लाई कैसे मिलेगा? तो फिर आप हमारा नेक्स्ट व्लॉग भी लाजमी देखा करें। इतने नवाब बच्चे किसी के होंगे, चेयर्स पर बैठ के खाना होता है इन्होंने, चेयर्स पर सोना है, हर काम इन्होंने चेयर पे बैठ के करना है। और चांदनी गद्दी पे रख के खाती है। चांदनी तो खैर, ये जो हमारी ये चादर बिछी है ना, इसके ऊपर रख के खाती है, इतनी बदतमीज है चांदनी तो। ये तो फिर भी चलो अपनी चेयर पे ही खा रही है, खैर है, बॉल में रख के दिया। चेयर साफ हो जाती है ना गीले कपड़े से, कपड़े तो पूरे धोने पड़ते हैं। लेकिन इसको बॉल में रख के दिया, बॉल देखे वो रखा और इसने चेयर के ऊपर ही रख के खाना है। ये देखे गुस्से वाली इतनी नखरीली है ना ये, इतनी नखरीली है। आपकी सोच है कि हमारे घर में इतना नखरीला कोई भी नहीं है, ये बिल्कुल मेरे ऊपर गई है नखरों में। इतनी ये बदतमीज है ना, कैमरा के सामने इतनी इनोसेंट बन जाती जैसे ये कोई गुस्सा ही नहीं करती। नहीं इधर फेस करके दिखाओ ना जरा, इधर मुंह करके गुस्सा करो, इधर मुंह करके गुस्सा करो। ये बड़ी चलाक चीज है, बड़ी चलाक हस्ती है ये। तो आज का व्लॉग हम मोनी के साथ एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपनी खास दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलो बाय बाय, बाय बाय।